2000 रुपए काफी सारे लोग स्पेंड कर सकते हैं ऑडियो प्रोडक्ट में, बट कंफ्यूजन ये रहता है वायर्ड ईयरफोन ले, नेकबैंड ले, हेडफोन ले या फिर एक टीडब्ल्यूएस ले। तो कुछ दिन से मैं टेस्ट कर रहा था यहाँ पे CMF के नेकबैंड प्रो, एंड ये डेफिनेटली प्रो वेरिएंट है यार नेकबैंड का। कोई भी नेकबैंड आप ले लीजिए मार्केट में, चाहे प्राइस हो, चाहे फीचर्स हो या फिर लुक एंड डिजाइन हो। तो एक बार फिर से फंकी कलर के साथ यहाँ पे आज का है नथिंग का सब ब्रांड CMF। तो कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट में हो, ये वीडियो अंटिल एंड देख लीजिए, आपको आंसर आपको मिल जाएगा। मिंत्रा के आउटर बॉक्स में आए हैं CMF के बर्ड्स प्रो। एक्चुअली ये नेकबैंड प्रो हैं, तो आप आइदर मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ऊपर आपको CMF बाई नथिंग की ब्रांडिंग मिलती है, प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, एक लुक है नेकबैंड प्रो, वंडरफुल डिजाइन, एंड पीछे की तरफ यहाँ पे की फीचर्स लिखी हुई है, 6-1 यूनिट है, एंड MRP भी ज्यादा नहीं रखा, 2500 रुपीज आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो जो ये पैकिंग है ये आपको वन प्लस, रियल मी, ओप्पो, सारे जो है चाइनीज ब्रांड उनमें देखने मिलते हैं, सिमिलर पैकिंग है। इनसाइड आपको एक यूजर मैनुअल मिलती है, 2 pair ऑफ एक्स्ट्रा A-tips मिलते हैं, कोई भी चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल नहीं मिलता। एंड अगर यहाँ पे नेकबैंड पे नजर मारते हैं तो अगेन ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पेपर यूज किया, बट पेपर की रिक्वायरमेंट थी नहीं इनसाइड। नाउ जो मेन चीज़ है वो है हमारा नेक बैंड, एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी जो दोनों हैंडल्स है वो आपको काइंड ऑफ बॉक्सी दिए हैं। एंड जैसे मैं बात कर रहा था भाई, ये वन प्लस एंड रियलमी जैसे हैं, तो सेम काइंड ऑफ ईयरबड्स का डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, इंस्पायर्ड बोल लो, कॉपी बोल लो, जो भी आप बोलना चाहें। तो राइट साइड वाले हैंडल पे आपको एक कंट्रोल मिल जाता है, होपफुली इससे वॉल्यूम कंट्रोल हो जाए। ये है आपका टाइप सी वाला पोर्ट, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, ये लीड इंडिकेटर, CMF बाय नथिंग की ब्रांडिंग है, एंड दूसरी और लोगो यहाँ पे दिया गया है CMF का। जो वायर है वो आपको टेंगल फ्री मिल जाएगी, होपफुली आप देख सकते हैं, एंड ईयरबड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे अगेन एक छोटा सा टच दिया गया है, एंड ये काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। जो नेक वाला सेक्शन है ये आपका है सिलिकॉन, थोड़ा सा वाइड इसको रखा गया है, होपफुली कोई भी आपको रेसेस वगैरह ना आए इनको यूज़ करते हुए। नाउ जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे आपको मिल जाएगी गूगल की फास्ट पेयरिंग, एंड वो आपको देखने को मिल जाती है राइट अवे, आप ओपन करते ही फ़ोन में ऑप्शन आ जाएगा अगर एंड्रॉयड डिवाइस है तो सेटअप का, तो यहाँ पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वही नथिंग वाली ऐप यूज़ होगी इसमें भी। जहाँ पे मैं पेयर न्यू डिवाइस में जाऊँगा तो नेकबैंड प्रो यहाँ पे नाम आ रहा है, एंड सेटअप दिस डिवाइस, तो हमारे नेकबैंड यहाँ पे हो चुके हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं भाई, क्या आप कैसे कर सकते हैं, आप इस टाइप से कर सकते हैं इसको कंट्रोल वॉल्यूम भी, एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं भाई, क्या क्या सेटिंग मिलती है। तो सबसे पहले नेकबैंड की बैटरी है, इक्वलाइजर है, कंट्रोल है, नॉइज कंट्रोल है, एंड अल्ट्रा बेस है। इक्वलाइजर में आने के बाद भाई आपको अलग अलग लाइक एक ग्राफ टाइप बना के दे दिया भाई, किस टाइप से क्या होगा, बेस में क्या रहेगा, ट्रबल में क्या रहेगा, वॉइस में क्या रहेगा, मोर फोकस्ड एंड कस्टम आप कर सकते हैं यहाँ पे। देन कंट्रोल्स में आते हैं, तो अगेन यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ हद तक, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ। नॉइज कैंसिलेशन यहाँ पे मिलती है, कैंसिलेशन जो आप अलग अलग लेवल पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अडेप्टिव कर सकते हैं अगर हेडेक नहीं चाहिए तो, ट्रांसपेरेंसी है, देन ऑफ कर पाएंगे आप आराम से यहाँ पे। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट आप कर सकते हैं, एक बैंड को रोल कनेक्टिविटी इनेबल करके आप दो डिवाइस के साथ एक बार इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फाइंड माय बर्ड्स है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो मटेरियल क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो काफ़ी लाइट वेट है, एंड ये ईयर में कंफर्टेबल भी है। मैं इनको पिछले कुछ दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड यहाँ पे जो ईयर फिटिंग है, ईयर कंफर्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, साथ साथ आइसोलेशन भी ये डिसेंट आपको प्रोवाइड करता है। IP55 की रेटिंग मिल जाती है, जो कि स्वेट के साथ डस्ट रेजिस्टेंट इनको बनाता है, एंड वाटर रेजिस्टेंट लेवल भी आपको मिल जाता है, तो जिम में, जॉगिंग में या फिर अदर अदर एक्टिविटी के टाइम पे आप इसको पहन सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिया हुआ ऑन वायर, तो फंबल होकर गिरने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ऑडियो सेक्शन मेन है, हाईलाइट है इस प्रोडक्ट की खुद ही, तो यहाँ पे 13.6 mm के ऑडियो ड्राइवर्स यूज किए हैं विद स्पेशल ऑडियो इफेक्ट, एंड यहाँ पे आपको AC एंड SBC दोनों के दोनों ऑडियो प्रोफाइल मिल जाएंगे, जो कि 2000 रुपीज की प्राइस में आप बोल लीजिए सारे के सारे जो प्रीमियम वाले फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड ऑडियो एक्सपीरियंस भी उतना ही प्रीमियम आपको मिलता है। उसके साथ आपको 4 preset कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जिसके अलावा आपको खर्च खुद से कस्टमाइज करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो ये नेकबैंड यार अगर मैं बात करूँ ऑडियो में,
तो अंडर 2000 रुपीस वन ऑफ द बेस्ट है, चाहे मैं इसको रियलमी के वायर 3 के साथ कंपेयर करूँ या फिर वन प्लस के Z2 ANC के साथ कंपेयर करूँ, दोनों को ही ये बीट कर सकता है, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो आपका ओवरऑल फीचर सेगमेंट हो, दोनों ही नेकबैंड को काफी तगड़ा कंपटीशन देता है ये CMF का नेक। ऑडियो में आपको बेस भी तगड़ा मिलता है, चाहे आप एक्स्ट्रा बेस यूज कीजिए, आप पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो ध्यान में रख के म्यूजिक सुन सकते हैं, अगर आपको ट्रबल चाहिए तो आप वो इनेबल कर सकते हैं या फिर वो बूस्ट कर सकते हैं, वोकल चाहिए तो वो आप बूस्ट कर सकते हैं, बेस चाहिए तो बेस का ऑप्शन मिलता है, अगर सबका बैलेंस चाहिए तो बैलेंस मोड भी आपको डेफिनेटली देखने के लिए हमें मिल जाता है। नाउ मेरे को स्टार्टिंग में लगा भाई जो ये रिंग है ये एक गिमिक है, ये जस्ट टू इम्प्रूव द डिज़ाइन वो चीज़ दी गई है, बट एक्चुअली दिस थिंग वर्क विद वॉल्यूम एंड आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से फंक्शनैलिटी है, तो एक यूनिक डिज़ाइन के साथ एक यूनिक कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा CMF की ओर से, जो कि यार डेफिनेटली अदर ब्रांड को इंस्पायर करेगा एंड मे बी वो कुछ इस टाइप के या फिर बेटर से इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। सो नेकबैंड लुक प्रीमियम, फील प्रीमियम एंड यहाँ पे ऑडियो के साथ टच कंट्रोल का जो फंक्शन है वो भी आपका अच्छा मिलता है, हालांकि टच कस्टमाइजेबल है, आप इसको बटन की फंक्शनलिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, प्रेस एंड होल्ड क्या रखना है क्या नहीं रखना एंड जो फंक्शंस है वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते हैं। नाउ ऐप में मेरा एक ऑप्शन लो लेटेंसी फॉर गेमिंग वो मैंने टेस्ट किया एंड गेमिंग के दौरान यार मेरे को फील नहीं हुआ मैं एक नेकबैंड या फिर वायरलेस डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज जो फीडबैक था जो फिर आउटपुट थी गेम के दौरान वो काफ़ी प्रीमियम थी, वो काफ़ी कम लेटेंसी टाइप का आपको देखने मिलता है एंड डेफिनेटली यार ये नेकबैंड आपको अमेजिंग रिजल्ट देगा, चाहे गेमिंग हो चाहे आपका ऑडियो सेगमेंट हो। उसके अलावा मैंने इनको टेस्ट किया है फॉर आउटर कॉलिंग एज वेल एंड रिजल्ट में काफ़ी सरप्राइज था, आप एक बार सुन ले रिजल्ट। नेकबैंड काफ़ी लाइट वेट है एंड आपको एक अच्छा एयर ग्रिप भी यहाँ पे मिल जाता है, साथ साथ एयर कम्फर्ट भी मेरे को कुल मिलाकर अच्छा लगा एंड इनको म्यूजिक के लिए मैं काफ़ी घंटों से टेस्ट करा था एंड एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी म्यूजिक आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। आउटर में ये परफॉर्मेंस आपको मिलती है, यहाँ पे AIENC या बोल लो AI फॉर नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, जो कि होपफुली नॉइस को काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। सो होपफुली गाइस आपने रिजल्ट चेक कर लिया, सुन लिया, कैसा रिजल्ट लगे कमेंट करके बता दीजिए, बिकॉज यार मेरे को बोल सकते हैं माइक्रोफोन सेगमेंट से थोड़ी बेटर एक्सपेक्टेशन से जो ये फुलफिल नहीं कर पाया, वॉइस थोड़ा भारी रूप में आ रहा था, वो और ट्यून हो सकता था और बेटर हो सकता था, वो चीज़ यहाँ पे ब्रांड ध्यान दे सकता था या फिर देने की जरूरत है अभी के लिए, वो मैं बोलना चाहूँगा। नाउ ANC यहाँ पे मिलता है वो भी 50 dB का, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, अदर अदर हेडफोन हमने ट्राई किए हैं, अदर अदर नेकबैंड, ये बर्ड, TWS, ना जाने क्या क्या प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी ट्राई किए हैं, 50 dB सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ANC अभी की रैम पे 2024 के इस मार्च तक 50 dB सबसे मैक्स है एंड 50 dB का पे मिलता है ANC, जो कि यार अगर आप यूज़ करते हैं इनेबल कर रहे हैं तो आपको लगेगा आपके दोनों ईयर सील कर दिए हैं, वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल ऑडियो नॉइस नहीं आ रही, तो इस टाइप से 50 dB काम करता है एंड जो ANC है उसके भी लेवल यहाँ पे आपको मिलते हैं मिड लो एंड आप उसको अडेप्टिव सेट कर सकते हैं, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपको यूज़ करना तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा अडेप्टिव यूज़ कीजिए, क्योंकि भाई कहीं पे आपको ज़्यादा ANC रिक्वायरमेंट होती है कहीं पे कम होती है एंड वो अडेप्टिव में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ नॉइस, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। नाउ यहाँ पे आपको डुअल पेयरिंग भी मिल जाता है, जो कि एप्लीकेशन से इनेबल करने के बाद आप यूज़ कर पाएंगे एंड मल्टी डिवाइस में जो शिफ्ट है जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है वो काफ़ी साइमल्टेनियसली या फिर स्मूथली ये शिफ्ट होता है, साथ साथ मैग्नेटिक डिस्कनेक्ट का फंक्शन अवेलेबल है तो वो भी आप इनेबल कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं अपनी नेकबैंड में। नाउ बैटरी बैकअप भाई 37 आवर ब्रांड क्लेम करता है विद 220 mAh बैटरी कैपेसिटी एंड उसमें भी अगर 10 मिनट चार्ज करते तो 18 घंटे का मैसिव बैटरी बैकअप मिल जाता है, तो यार बैटरी बैकअप में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, 18 घंटे नहीं मानते, चलो 12 घंटे 15 घंटे मान लेते हैं तो भी एक अच्छा नंबर है, टाइम कम है चार्ज आप नहीं कर सकते इसको फुल्ली, तो आप स्मॉल पोर्शन में स्मॉल टाइम में आप चार्ज करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हालांकि जो फुल्ली चार्ज है ये 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेकबैंड को कमाल का बनाती है, एक यूनिक नेकबैंड बनाती है, हालांकि आपको रियलमी वन प्लस जैसे ब्रांड मिल जाते हैं, रियलमी 1600-1700 रुपये मिलता है, ये 1800 रुपये में, वन प्लस जाएंगे तो 2000 या 2200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, अदर ब्रांड की ओर नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे ANC के ऑप्शन नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो ऐप सपोर्ट नहीं मिलेगा या फिर अच्छे ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो कंपटीशन है वो है वन प्लस Z2 ANC एंड रियलमी के वायरलेस 3, तो दोनों ही नेकबैंड काफ़ी तगड़े हैं अपने अपने मार्केट में अपने अपने प्राइस में, बट वहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो
इससे कम है एंड यहाँ पे आप इम्प्रूव वर्जन मान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको अमेजिंग मिलता है, उसके साथ 50 DB की एक ANC वो भी आपको टोकनोस मिलती है, तो ये नेकबैंड डेफिनेटली आप ले सकते हैं। प्राइस रियलमी वाले से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर आप रियलमी का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या फिर नथिंग का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई अदर ही डिवाइस यूज़ करें, तो ये नेकबैंड डेफिनेटली मैं प्रेफर करूँगा आप लोग को। लिंक नीचे रहेगा, जाके परचेज कर सकते हैं आप लोग। एंड होप वीडियो पसंद आए, वीडियो अगर पसंद आए वैल्यू मिली है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटल एंड स्टेट। बाय बाय।